ओ भैया आए आगे आओ बैठ जाओ सब समाज में देखिए आप आइए एक साथ बैठ जाइए जो जगह खाली है बैठ जाइए इनकी वाले फोटो ले रहे हैं नहीं कहूंगी कि बराबरी तो हमें क्योंकि खुद को कभी छोटा माना ही नहीं हमने बोलो मानते हो छोटा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि बराबरी तो हमें क्योंकि खुद को कभी छोटा माना ही नहीं हमने और सरकार सुन लो और सोच तो तुम लोगों की छोटी है साहब और सोच तो तुम लोगों की छोटी है साहब जो सोचते हो कि किसी के भी सामने हमारी कलाई मरोड़ दोगे औरतों को नाजुक कली नहीं कि जब चाहे तोड़ दोगे माना कि पुरुष प्रधान देश रहा है ये भारत माना कि पुरुष प्रधान देश रहा है ये भारत पर अहिल्या और लक्ष्मी बाई भी तो इसी देश की संतान थी ना? माना कि पुरुष प्रधान देश रहा है ये भारत पर अहिल्या और लक्ष्मी बाई भी तो इसी देश की संतान थी पर तुमको बताने से क्या फायदा होगा चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली वैसे तमाम जो राज्य हैं वहाँ की महिलाएं जो हैं वो चुपचाप अभी इस बात को लेकर बैठी हुई हैं कि सरकार जो है उनकी चीज़ों को सुनेगी और उनके कामों को सुनेगी। एक तो वो वैसे भी आगे उनको नहीं ले जा रही है उनकी रोजी रोटी बंद करा रही है कुछ काम नहीं कर रही है और दूसरा वो जो पिछली सरकार में उनको दिया गया था या जो पीछे उनके पास उनकी रोजी रोटी जिससे उनका चल रहा था उस पर भी वो अपना हाथ पाँव मार रही है और पंजा कस रही है अपना हाथ रख दे रही है और उसको छीन ले रही है। ऐसे में वो जिससे अपना रोजगार चलाती थी जिससे अपना घर खर्च चलाती थी वो कहाँ जाए, वो यहाँ जंतर मंतर पर आए लगातार तीसरा दिन है जो यहाँ पर आ रही है, बगल में सरकार बैठी है लेकिन फिर भी इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा, कान पर उनकी जू नहीं रेंग रही है और 24 में चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, तब कहेगी कि हम जो है वो आपके लिए है, हम जो है वो आपके द्वारा आएंगे, जो आप कहेंगे वो तमाम ऐसे वादे जो 5 साल पहले उन्होंने किया और जो अब फिर करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जब क्या 5 साल ये फिर बीत जाएगा तब वो उनका चेहरा देखेंगी, क्या तब उन वादों को जो वो 5 साल पहले करके बीते 6 महीनों में या आने वाले 6 महीनों में ही खाली होगा, क्योंकि सरकार लगातार अभी काम कर रही है अपने वोट बैंक के लिए कि बहुत सारे ऐसे नियम कानून ला रही है, बहुत सारी चीजें जो है वो अब ला रही है और कह रही है कि यही सरकार तीसरी बार भी लाई है और तीसरी बार उन सारे कामों को हम करेंगे जबकि बार नहीं किया। बताइए बहुत सारे वादे हैं सरकार के, बहुत पूरे किए सरकार कह रही है, आप यहाँ जंतर मंतर पर 3 दिन से क्या कर रहे हैं? अगर सरकार वादे पूरी कर रही है तो ये सब जनता जो हमारी क्यों आकर जंतर मंतर पर भूखे प्यासे सो रही है? कहाँ से आए हैं हम? सासाराम बिहार से आए हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। से आए हुए हैं ये पूरे देश के कोने कोने से लोग आए हैं, जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया है और कह रहे हैं कि हम सरकार सुन लीजिए, सरकार करिए भैया हमने तो सुन लिया है, हमने आपका काम कर दिया है। हमारी सबसे बड़ी सरकार सुन लिया है, सरकार सुन लिया है, सरकार की अपनी जेब भर गई, सरकार अपने एरोप्लेन पर चल रही है, सरकार अपने देशों से मशरूम मंगा रही है जी, और यहाँ हमारे बच्चे दूध के लिए 50 वर्षों से 50 पैसे किलो 50 पैसे किलो 50 वर्ष पहले चावल था 50, उस समय हमारा कमीशन 2.5% था और आज 50 साल के बाद जब 50 रुपए किलो चावल हो गया तो हमारा कमीशन 50 पैसा हो गया। नहीं तो ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे नीचे जमीन से हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता है और हमारा कमीशन घट के नीचे चला गया, सरकार हमको ऊपर से जमीन पर ला के फर्श पर छोड़ दी। हाँ फर्श पर छोड़ दी।
फर्श पर नंगे छोड़ दी, फर्श पर नहीं नंगे छोड़ दी फर्श पर नंगे, और कह रही है कि हम आप सबके साथ हैं, 24 में जिताएंगी बीजेपी को। नहीं जिताएंगे। क्यों नहीं जिताएंगे? इसलिए नहीं जिताएंगे कि वो सबके साथ नहीं है, सबका साथ लिए हैं, लेकिन कह रही है सबका साथ सबका विकास। नहीं, सिर्फ सबका साथ, आप सबका आपका विकास। जुमला है मैडम, आपके चैनल को मैं इतना धन्यवाद देना चाहूंगा, कम से कम सच के लिए आप लोग हाईलाइट मीडिया नहीं है, फिर भी हमारी सच की आवाज़ को उठा रही है। ये गोदी मीडिया चैनल अभी तक अपना कोई चेहरा नहीं दिखाया, वो चाहे श्वेता सिंह हो, चाहे वो अमित शाह जो भी हो, कभी नहीं, उनको समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। जो मोदी कहते हैं वही वो गोदी मीडिया करती है। कम से कम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कम से हम लोग सच को कह रहे हैं, महिलाओं के साथ है, महिलाओं का विकास कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिला का बिल आ गया, 33% महिलाएं बैठेंगी। क्या हम लोग को तो कुछ नहीं मिला, 33% में 33 पैसा भी नहीं मिला, तो कैसा बिल? हम इस बिल को बहिष्कार करते हैं। एक हमारे पोस्ट ऑफिस में महिला योजना आया 2 साल के लिए, उसमें हम महिला अभिकर्ताओं को कमीशन से वंचित रखा गया। हम अभिकर्ताओं को 1 time deposit और 1 time कमीशन मिलता है, ठीक है। और आपको भी पता है कि चाहे अंगूठा छाप संसद विधायक कोई भी बने, 1 time अगर बन जाते हैं तो आजीवन कमीशन पाते हैं, मरते दम तक खटिया पर सोए रहते हैं तब तक पेंशन पाते हैं। 24 घंटे के लिए बन जाते हैं, बाद में चाहे जो होगा वो होगा, उसके बाद भी मिलता है। ये कैसा विकास है? सब सबका साथ है, अपना विकास है, अपने करोड़ों का सूट पहने, कोई एक दाना के लिए मोहताज है खाने के लिए, और सारे पीपीएफ अकाउंट होगा, सुकन्या हुआ, महिला जो आपको पत्र आया वो होगा, सुकन्या हुआ, सीनियर सिटीजन हुआ। हम लोग पोस्ट ऑफिस में रहने की वजह से बहुत सारे हमारे रिपोर्टर हैं जो बहुत सारे रिलेशन में हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हमको मजबूरी में उनका फॉर्म भरना पड़ता है। बहुत सारे मोदी जी जैसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, बहिष्कार कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग को कुछ लिहाज से उनका सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन खड़े होते हैं महिलाओं के बीच में और डालते हैं एक बड़ी सी फोटो छपती है, वो तो रोते हुए स्टेज पर बोलते हैं, हमारी माताओं और बहने गमछी से आंसू पोंछते हैं। अब बाद में क्या होता है, पेपर में देखिए कितने महिलाओं का समर्थन करते हैं, कितना उनका इज्जत और कदर करते हैं, ये भी तो देख लीजिए। ये तो सर्वव्यापी है, ये तो कोई छिपाने वाली चीज़ नहीं है। धूप धूप में चलते हैं, बहुत सारे काम है उसको करते हैं, उसके बाद एक उम्मीद जो सरकार से लगी रहती है कि पैसा 30 तारीख को या 1 तारीख को आएगा, आता है? एक्चुअलिटी क्या है कि हम अभिकर्ता हैं, हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, हम अपना जो काम करते हैं उस पर कमीशन मिलता है, और यदि हम एक बार जमा करेंगे तो हमें उसका 50 पैसा के हिसाब से कमीशन मिलता है, और सरकार धीरे धीरे जितनी 50 पैसे चावल था केजी तो 50.5 रुपया मिलता था हम लोगों का कमीशन 50 साल पहले, आज 50 रुपये किलो हो गया चावल तो 50 पैसा हम लोगों को कमीशन मिलता है। एक्चुअलिटी क्या है कि जो हमारी योजनाएं हैं, हमें सारी योजनाओं में कमीशन चाहिए, आधी योजनाओं में आप कमीशन दे रहे हैं, आधी में नहीं दे रहे हैं, जिनमें नहीं दे रहे हैं कमीशन उनका, जिनमें कमीशन नहीं दे रहे हैं उनमें ब्याज ज़्यादा कर दिया है, तो निवेशक क्या उन योजनाओं में जा रहा है? जो योजनाएं हमारे पास बची हैं जिनमें ब्याज कम है उनमें हमें कमीशन दे रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन की संभावना हो सकती है, अभी ये मालूम नहीं है। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। हम बेरोजगार, यदि प्राइवेटाइजेशन होता है तो हम लोग अवश्य रूप से बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और अभी जो हमारे 60 साल 65 साल 70 साल से 40-40 साल से अभिकर्ता इस काम को कर रहे हैं, वो सड़क पे आ जाएंगे, वो किसके भरोसे रहेंगे, क्या खाएंगे? आप सोचो, जैसे आज आप छोटी हैं, मान लो आज आपने एजेंसी ले ली है, तो आप भविष्य में इस सिस्टम पे नहीं रह पाएंगे। प्राइवेटाइजेशन पे क्या सरकार जोर दे रही है, क्या रोजगार छीन रही है? आईबीपी को जोड़कर जोर दे रही है, बताइए। प्राइवेटाइजेशन पे जोर दे रही है सरकार जी, प्राइवेट कर देगी सारी चीजों को, लग रहा है, लग रहा है कि प्राइवेट हो सकता है, और प्राइवेट होगा तो हमारे 5 लाख ये जो अभिकर्ता है उनके 25 लाख परिवार भूखे मर जाएंगे, एकदम होने की गति में है। हम लोग जिस स्कीम में 3-4 स्कीम में हमारा कमीशन खत्म कर दे, जो सीनियर सिटीजन था उसमें कमीशन बंद हो गया, जो सब में कमीशन बंद कर रही है, रोजी रोटी छीन रही है। एक गरीब आदमी भी जो होता है, जो दाय की काम करती है, उसके यहाँ से भी जाके हम लोग पैसा लाते हैं और उसके भविष्य के लिए सोचते हैं। सीनियर सिटीजन में कमीशन दे रहा था, उसको भी बंद कर दिया। सुकन्या में कमीशन नील है, 0.5% में हम लोग काम करते हैं,
इसके बावजूद भी पीपीएफ में पहले कमीशन देता था, वो भी बंद कर दिया गया। मैंने हम लोगों को 6 लाख जो अभी करता पूरे देश में है, हम लोगों को रोड पर लाने का कोशिश कर रही है सरकार, भविष्य नहीं सोच रही है आपका जी। जैसे हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, सबका उम्र मान लीजिए 40, 50, 55, 60, अब कहाँ जाएगा वो, अब क्या करेगा वो, भविष्य बना रही है कह रही है, कुछ नहीं बन रही है आपका भविष्य, हमारा भविष्य देश का भविष्य। 15 लाख हर भारतवासी को देंगे, मिला 15 लाख मिला हर भारतवासी को, देश किसी को मिला, फोटो डाल दिए, ये तो जुमलाबाजी सरकार है। बेरोजगारी जो बढ़ रहा है तो बेरोजगारी यही सब कर रहा है सरकार, बेरोजगारी तो बढ़ा ही नहीं रहे, रोज हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, हम पूछता इम्प्लॉय तो मिल नहीं रहा है देश में, तो वो क्या करके खाएगा, एजेंसी करके खाता है, एजेंसी बंद कर दीजिएगा तो क्या करके खाएगा वो बताइए। कहाँ से आए हैं? देवघर से, झारखंड देवघर से। ये जो है ये देवघर से आए बहुत सारे ऐसे लोग, हम कितना आपको बताएं, बताइए इतनी दूर दूर से लोग यहाँ चल कर आ रहे, क्या कुछ यहाँ पर फर्क पड़ रहा है यहाँ जंतर मंतर पर आने का? हम लोगों को तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोगों की सरकार कुछ सुन रही है, हम लोगों को तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक नहीं सुनेगी हम लोग बार बार इस जंतर मंतर पर लड़ेंगे। और 5 लाख अभी करता अपने बाल बच्चों के संग आएंगे, बाल बच्चों पत्नी सभी के संग आएंगे, धरना डाल देंगे, धरना डालेंगे, हम सरकार को हम लोग तबाह कर देंगे, हम लोग तबाह होंगे तो सरकार को तबाह करेंगे। ये जो है ये बहुत जगह से आए हुए लोग हैं, हम कितना आपको बताएं, पूरे देश के कोने कोने से, हर राज्य से, या फिर यूं कहे कि यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग जो है आए हुए हैं, और इनका कहना है कि अगर सरकार जो कहती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, इनका छीन रहे हैं, अगर हम तबाह हुए, हम अगर खाने के लिए तरसे तो हम सरकार को भी तरसा देंगे, ज्यादा दिन नहीं है चुनाव, आने दीजिए 24 में और हम दिखा देंगे कि क्या है आपका आईना।